सो मुझे जाना है अपनी बर्थडे की शॉपिंग की हंटिंग शुरू करने, बर्थडे गिफ्ट्स की हंटिंग शुरू करने। एवरी बर्थडे मैं जितने साल की भी होती हूँ मैं उतने गिफ्ट्स अपने आप को देती हूँ, एंड इसलिए मुझे ये अपने एज बताते हो अपना बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि अफकोर्स मैं जितने साल की भी होती जाती हूँ, लाइक मेरी उम्र बढ़ती है मेरे नंबर ऑफ गिफ्ट्स बढ़ते हैं। और इस बार कैन यू गेस मैं कितने गिफ्ट्स देने वाली हूँ? यार ज्यादा टाइम ना लगाओ, आई एम गोइंग टू गेट 36 गिफ्ट्स फॉर माई सेल्फ। अब ये गिफ्ट्स मैं लेती कैसे हूँ सब बताऊंगी। सो मेरा बर्थडे होता है मेरे लिए एक फेस्टिवल जो कि ऑलमोस्ट एक महीना 15 दिन पहले से शुरू हो जाता है, जिसमें मैं लिस्ट ऑफ चीजें बनाती हूँ जो मुझे चाहिए, एंड अफकोर्स कुछ जरूरी होता है और कुछ बस यूं ही पसंद के रूप में हो जाता है। फॉर द मनी मैं बहुत सारा पैसा सेव करती हूं पूरे साल, मैं ज्यादा शॉपिंग नहीं करती हूं पूरे साल क्योंकि मुझे अपने बर्थडे पे शॉपिंग करनी रहती है, एंड दूसरा मैं अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली से, अपने मम्मा से, भाई से, एंड ऑफ कोर्स जब तक पापा मम्मी जी पापा जी सब लोग थे तब तक मैं सबसे ना पैसे कलेक्ट करती थी गिफ्ट के रूप में। बोलती थी मुझे गिफ्ट मत दो क्योंकि पता नहीं आप लोगों का पसंद क्या हुआ, गिफ्ट मुझे पसंद आया या नहीं है, तो इसलिए मैं सबसे गिफ्ट पैसे लेती थी एंड उसका फिर एक अच्छा बजट बनाती थी एंड उससे गिफ्ट लेती थी। कुछ पैसे मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है, मैं उनसे स्टार्ट कर देती हूँ। सो मैंने लिस्ट तो नहीं बनाया लेकिन मैंने मेरे पास कुछ आइडिया है मुझे कैसा लेना है, एंड मैंने ना बजट डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सो बेसिकली मैं ये पहनूँ या ये पहनूँ, पहले ये समझ में नहीं आ रहा, चलो ये पहन के थोड़ा अलग है। ओके सो मैंने क्या किया है, पहले तो 10 गिफ्ट्स मुझे जो है एकदम बजट फ्रेंडली लेना है, लाइक 200 के अंदर लेना है, एंड वो गिफ्ट्स के लिए मैं जा रही हूँ आज भूतनाथ में मुझे बहुत सारे एक्सेसरीज मिलने वाले हैं, आई एम प्रीटी एक्साइटेड। वेल ऐसा कुछ भी अभी तक प्लान नहीं, हो सकता है मुझे वहाँ पे थोड़ा ज्यादा वाला भी पसंद आ जाए तो मेरा बजट थोड़ा हिलने वाला है, दैट इज ऑल गुड क्योंकि आई एम रेडी फॉर इट, आफ्टर ऑल दिस इज माई बर्थडे एंड अपने बर्थडे पर मैं अपने आपको खुल के ट्रीट देना पसंद करती हूँ। इन बंदरों को भी मैं छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि इन बंदरों को अब इनके पापा संभालेंगे, हमारा कृष्णा भी वापस आ गया थाईलैंड ट्रिप से बहुत सारी गिफ्ट्स लेके हमारे लिए, सो आई एम ऑफ नाउ। भूल गई थी सबसे इंपॉर्टेंट पर्स तो लेना ही पड़ेगा, वरना ये फोन ये ट्राइपॉड कहाँ रखूंगी जब मैं शॉपिंग के लिए हंट करूंगी अपनी चीजें। तो ये मैडम अभी इतने दिनों बाद आई हैं थाईलैंड से घूम के, अब ये धनिया उगाएंगे ये प्रूफ करिए भैया जी को। हाँ यार धनिया ही है, धनिया है, धनिया है, यस दैट फतेहपुर पीपल। चलो भाई ध्यान रखना अपना अपना, ध्यान रखना अपना अपना और बच्चों का भी ध्यान रखना। ये क्या है, ये चॉकलेट है ना? नहीं आ गए हम लोग भूतनाथ पहली बार अकेले ड्राइव करते हुए मैं और निवी। ये जो फ्रीडम है ना कसम से आई लव इट, लाइक शॉपिंग का मन हुआ उठे आ गए, ये मुझे इतने सालों में नहीं मिली थी, थैंक्स टू ड्राइविंग मुझे ये फ्रीडम मिली है। वैसे फ्रीडम क्या, मैं इनको भी बोलती थी ये कभी भी लेके आ जाते, मना तो कभी नहीं करते, लेकिन खुद से आने वाली जो बात है ना, और वो भी ऑफकोर्स ये साथ में थी इसलिए मुझे आने को मिल भी गया, वरना मैं आने की हिम्मत भी नहीं करती, सो थैंक यू निवी। गाड़ी हमने पार्किंग में पार्क नहीं की भाई, वो अंदर तक कौन जाएगा। चलो अब शॉपिंग शुरू करते हैं, बाकी की बातें बाद में। तो आज का मेरा एम है 200 के अंदर मुझे मतलब खरीदना है अपने गिफ्ट्स, लगभग 10 का एम रखा है मैंने, जितना भी हो पाए। ओ इतना अच्छा लग रहा है ना, पता नहीं हम ये लोग झगड़ा कर रहे बैठे यहाँ पे, ये देखो भीड़ हो कुछ भी हो झगड़ा झगड़ा होता है यार। ओके न्यूज शॉपिंग, अच्छा आपको पहले आप वाला काम देख लेते जो करने आए हैं, बाकी के हम देखते रहेंगे फिर। पूरा करवा चौथ का मेला लगा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो हैंडमेड कैंडल्स हैं यहाँ पे मिस चीफ, ओके ये हैंडमेड कैंडल्स भी हैं। चलो आप बताओ हरिओम कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बोला उसने? चलो बढ़िया, वाह यार भूतनाथ तो देखना बनता है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ना यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा नहीं है। ए यार इयररिंग्स वगैरह यहाँ मिल रहा है, मेरा काम हो गया, मुझे बहुत सारे इयररिंग्स लेने हैं, मुझे बहुत सारा के लिए बहुत सारा डेकोरेशन भी लेना है दिवाली वाला, पहले इसका वाला काम कर ले क्योंकि मेन हम वही काम के बहाने आए हैं, बहाना क्या बट हाँ मेन काम तो वही है तो पहले वो काम खत्म करें। ये देखो माइन ज्वेलरी बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत हाँ। इनका तो वो स्टोरी अलग था, जिस दिन ये लड़का देखने आई थी ना हमारा देवर इतना पसंद आया कि उसी दिन लहंगा खरीद के गई थी कि शादी तो हो ना हो लहंगा पहले मिल जाए मुझे। हाँ सो मिल गया हमें फाइनली हरिओम कॉम्प्लेक्स। हाँ ओके यहाँ पे भी कुछ कुछ देख ही सकते हैं हम लोग। ये चूड़ा बड़ा भी अच्छा है, देखते हैं अभी कहाँ भी लो 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 वही ना लेटेस्ट, मैं यही हूँ भी। वाह यार कितने के हैं ये? है तो सुंदर पर 300 थोड़ा ज़्यादा है, रिमेंबर माय बजट 200 के अंदर का लेना है मुझे। तो गए लेकिन ऐसा कुछ हो ना जिसको देखते ही यस ये चाहिए, ऐसा वाला जब आ जाएगा ना तब मैं उसके ऊपर बार्गेन कर सकती हूँ, तब तक तो वो वाली फीलिंग नहीं आ रही ना, तब तक तो मेरे को सब सब देखना है बस, है ना।
ये भी अच्छा है बट मुझे डेफिनेटली पता है इससे मैं मेरे हेयर नहीं बिकेंगे। सुनो ये भी अच्छा है, ये कलर है मेरे, वाओ ये बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर कलेक्शन है डेफिनेटली। लेकिन मुझे वाइन कलर में चाहिए क्योंकि जो मैंने मिंत्रा से साड़ी मंगा रही है। हाँ वाइन ना, हाँ कितना रहेगा उसका, क्या रहेगा बजट? ये वाले कड़े अगर मुझे अच्छे लग रहे हैं 2200। बाप रे बाप, चलो बस मुझे लगता है मेरे को अलग अलग देखे फिर मिक्स करना पड़ेगा कि तो मेरा बजट बिल्कुल क्रॉस कर देगा। जी मुझे समझ में आ गया कि ये शॉप एंड कॉम्प्लेक्स वाले जो है मेरा बजट बिल्कुल भी ये नहीं कर पाएंगे, ख़राब कर देंगे। सो मैं रोड साइड पे ही देखने वाली हूँ। ये तो है मेरे पास यार। तो आए थे हम शॉपिंग करने लेकिन पहले खाना बनता है तो हम शुरुआत कर रहे हैं अपना पानी पूरी से। वही तो रात में आने का प्लान ऐसा कुछ खास रहा नहीं हमारा, हमें लगा था हमें यहाँ पे बहुत लाइक अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छे रेट में मिल जाएगी बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत महंगी हैं चीज़ें, बहुत महंगी हैं। सो डेफिनेटली नहीं, हाँ मेहंदी वाली देख लो। सो अब रोड साइड पे देखती हूँ मैं अगर इयर रिंग्स वगैरह कुछ मिल जाए। रोड साइड पे पसंद आ नहीं रहा और अंदर जो पसंद आ रहा है वो बहुत महंगा आ रहा है। हाँ पता नहीं, इतने दूर आ तो गए, मुझे नहीं लगता फ्लॉपी होने वाला है मेरा ये ट्रिप। लेट्स सी। ओके सो फाइनली ऐसी चीज़ें मिली है जो मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है। दिस इज़ वन, ये भी अच्छा है ना, बड़ा प्राइसेस क्योंकि भाई बताओ तो लिमिटेड बजट है और मुझे उसी बजट में लेना है। तो लेट्स सी भैया, ये वाला येलो वाला कितने का है? ये 160। दोगे कितने में फाइनल? नहीं भैया 100 रुपये में दे दो भाई, 100 रुपये में दो, मुझे पाँच लेने हैं किसी ने, मैं बोल रही हूँ नहीं मैं, अरे क्या बोलूँ उनको भी रूल लेके निकली हूँ, मुझे वो पाँच वैसे मतलब पाँच लेने हैं टोटल 100-100 रुपये के। तो फाइनली मुझे मिल गया जो मैं लेने आई थी, पूरा भूतनाथ घूम लिया। ये भैया के पास कलेक्शन बहुत अच्छे अच्छे बहुत अमेजिंग है। ये कड़े भी बहुत सुंदर सुंदर हैं, क्या बोलते हो? नहीं हाँ भाई वाओ, ये भी अच्छा है वही वाला। हाँ, ये रेड वाला ना, ये दोनों अच्छा लग रहा है, ये साड़ी के साथ ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब ये भी अच्छा, ये तो सूट वूट के साथ भी अच्छा लगेगा, सुंदर लग रहा है। फाइनली हमारी शॉपिंग खत्म हुई है, बहुत देर हो गया, हम लोगों को लगा था हम 7:30 तक वापस आ जाएंगे बड़ा सा कुछ नहीं हुआ, 8:10 है, बहुत गंदा ट्रैफिक, लेकिन हमने वहाँ पे भी शॉपिंग में टाइम पे बहुत, लेकिन यार ऐसा है नहीं मतलब जहाँ तक हमें लगा कि इतना सब बोलते थे सस्ती मार्केट है, ऐसी कोई सस्ती तो हमें लगी नहीं। दूसरी बात वही चीजें ना मीशो वगैरह पे मिल जा रही थी और ऐसा है कि अगर आपको नहीं पसंद आप एक्सचेंज कर सकते हो और घर बैठे बैठे आ जा रहा है, ऑफकोर्स 20-30 रुपए का फर्क होगा बट मैं अगली बार नहीं जाऊंगी, मतलब मुझे इतना कुछ खासा पसंद नहीं आया, बहुत भीड़ थी। तो फाइनली हम घर आ चुके हैं एंड इट्स ऑलरेडी 8:30। थैंक गॉड इन्होंने बच्चों को संभाल लिया, मतलब मेरे को तो लग रहा था यार ये लोग रोना धोना शुरू करेंगे और हमें कॉल पे कॉल आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये रहा शिवन्या माही के लिए, और आते हैं शिवन्या माही के गिफ्ट्स के ऊपर। शिवन्या को क्या मिला? शिवन्या की क्या लाया मम्मी ने? ये देखिए अभी बच्चा है यार। हाँ और ये शिवन्या माही के लिए, माही का फेवरेट मिनी माउच। लेकिन बाबू ये सब दीदी यूज करेगी, दिसंबर में तो ये गायब हो जाएगा ना पूरा। ऑलराइट तो मैंने सोचा था वैसे अनबॉक्सिंग जो है वो मैं कल करूं बट मैं दिखाई देती यार, मुझे भी एक्साइटमेंट नहीं कंट्रोल हो रहा। तो लेट्स सी मैंने क्या क्या लिया है। तो पहले तो ये मैंने करवा चौथ के लिए लिया है, करवा चौथ में मैंने चूड़ी वूड़ी लेकर आई थी लेकिन मुझे ना ये चाहिए था कंगन, तो 400 बोला था बट मैंने 300 में लिया, काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, मजबूत है, इस तरह से कुंदन वर्क में है, ऑक्सीडाइज्ड गोल्डन है जो कि मुझे कलर चाहिए था, सो यस आई लाइक इट। ठीक है तो ये 300 में दिया बट ये मेरे गिफ्ट में कंसीडर्ड नहीं है, उनका मिनी माउस बहुत पसंद आया। ओके अब आते हैं हमारे गिफ्ट्स पे मेरे, जो कि मैंने कहा था कि मेरे को 200 के अंदर लेना है एंड मतलब 10 चीज़ों का मैं अपना एक टारगेट बनाकर गई थी। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ना मैंने लिए हैं कुछ इयररिंग्स, वो इयररिंग्स दिखाती हूँ आपको, आप बिलीव नहीं करोगे इतने प्यारे प्यारे इयररिंग्स हैं, जस्ट सी कितने प्यारे हैं ना। एंड गेस वो उन्होंने पहले ज़्यादा बोला था और मैं प्राइस नहीं डिस्कस करूँ क्योंकि बाद में मुझे लगा कि मुझे धोखा हुआ है मेरे साथ। चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, आई एम हैप्पी विद द परचेज, डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे हैं, जो मुझे जैसे चाहिए थे बिल्कुल वैसे डिज़ाइंस मिले हैं, सो आई एम ओके। अगेन दिस इज ऑल्सो बहुत प्रिटी, हाँ बेटा मिनी माउस, वो अपने मिनी माउस को लेकर एकदम ओवर एक्साइटेड है। और ये देखो ये भी काफ़ी अच्छा है, सारी की सारी कलेक्शंस जो है ना मैंने काफ़ी ढूंढ ढूंढ के, और ये देखो, और ये सब मुझे लिटरली एक ही शॉप में मिल गया तो मुझे ज़्यादा मतलब ढूंढना भी नहीं पड़ा। और उसके पहले मैं जहाँ पे भी जा रही थी ना बहुत महंगा प्राइस बता रहे थे, है ना प्रिटी, ये सब मेरे बर्थडे गिफ्ट्स में काउंट होंगे, मुझे 36 गिफ्ट देने खुद को। शिवन्या प्लीज़ मत बजाओ। ओके ये तो रिंग्स हैं, वेट वेट वेट, और हैं मैं आपको सब दिखाऊंगी।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये दूसरे शॉप से लिया, मुझे बस क्रॉस करी थी, मुझे अच्छा लग गया था, मैंने ले लिया। सो ये सारे के सारे हैं मेरे इयर रिंग्स। अब बात करते हैं रिंग्स की। यस मैंने रिंग्स भी तीन तीन लिया और तीनों बड़े प्यारे हैं। ये देखो पहला है ना, दूसरा ये भी बड़ा प्यारा लगा मुझे, एंड दिस इज थर्ड। ये मेरे बर्थडे के दिन का है बिकॉज मेरा जो ड्रेस है वो इसी थीम पे है, एंड ड्रेस भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके अब आते हैं कंगन पे। अगेन ये कंगन भी मुझे बड़े अच्छे रेट में मिले, मैं आपको बताऊंगी सारे प्राइसेस भी बताऊंगी। ये देखो है ना सही, वो कैसा लग रहा है कंगन? शिवन्या ने मुझे बताया नहीं कौन सा उसे अच्छा लगा इयर रिंग्स में से, अभी शिवन्या से पूछेंगे हम। एक मिनट को पहले मैं कंगन देख लूं। अच्छा लग रहा है कंगन। ब्लैक व्हाइट एंड दिस इज गोल्डन। एक सेकंड पहले मुझे बताओ कौन सा अच्छा लगा तुम्हें, ब्लैक व्हाइट या गोल्डन? इसमें ये देखो कंगन में हाँ गोल्डन, ये है ये है ये है, कौन सा अच्छा लगा? गोल्डन ये। ओके तो शिवन्या को ये अच्छा लगा और मुझे ये। अबे इयररिंग्स में मुझे पसंद आ रहा है। रिंग्स में से कौन सा पसंद आया तुम्हें? रिंग्स ये वाला मुझे भी यही पसंद आया। अच्छा इयररिंग्स में से बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तुम बताओ, चीटिंग, ये बहुत चीटर है, बोलती आपको कौन सा पसंद आया, जल्दी बताओ फास्ट फास्ट। ये वाला ओके मुझे भी अच्छा लगा वो, थैंक यू। मुझे अंडर 210 चीज़ें लेनी थी, लाइक 2000 का मेरा बजट था, लेकिन मैंने कुल मिला के 6-7 इयररिंग्स, 3 कंगन यानी 10 टोटल चीज़ों एंड 3 रिंग्स यानी 13 चीज़ें ली है मैंने, और वो भी सिर्फ 1600 में, यानी मेरे 13 गिफ्ट्स हो गए 1600 में, कैन यू बिलीव इट। और अभी मेरे पास कितने बचे फिर, मुझे और 23 गिफ्ट्स मुझे लेने हैं, जिसमें से अफकोर्स 5 तो मेरे थोड़ी लग्जरी टाइप में होंगे तो वो मैं एंड में लूंगी, लेकिन अभी जो नेक्स्ट 10 गिफ्ट्स का जो टारगेट है वो है मेरा 500 के अंडर, लाइक 500-600, नॉट 500 के अंदर, 500-600। अब वो मैं आपको कल बताऊंगी क्या क्या लेंगे, उसमें अभी टाइम है ठीक है। तो चलो ये तो हो गया मेरा इतना।